हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, ग्रुप सी की। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये जॉब जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा निकाली गई है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का डेट जो है 13 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रहा है तथा इसका लास्ट डेट जो है 1 मई 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हम बताएंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आइए बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो ये पोस्ट जो है लोअर डिवीजन क्लर्क की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसका पोस्ट कोड जो है 201901 है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 10 वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं तथा एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है तथा इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इसमें लेवल 2 का पे स्केल है, यानी 19,900 से 63,200। अगर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पे। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज जो है 33 साल है तथा एक्स सर्विसमैन के लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, ओबीसी के लिए 43 साल होनी चाहिए तथा एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज जो है 45 साल है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो है 40 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 43 साल है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 45 साल मैक्सिमम एज है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना होगा। मैंने इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 1,500 रुपये फीस है तथा ओबीसी और ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 1,500 रुपये फीस है और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 1,500 रुपये फीस है तथा एससी एसटी और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए 1,200 रुपये फीस है। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगेंगे तथा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं होगा। आप अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तथा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश तथा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के तथा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के तथा जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें 400 नंबर के और टाइम जो है 90 मिनट का होगा। अब बात करते हैं समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो मोड ऑफ एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। टाइम जो है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का होगा। पेपर जो है सिंगल शिफ्ट में होगा। एग्जामिनेशन डेट और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। द एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ डेट एंड टाइम विल बी अनाउंस लेटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अगर एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें तो केवल इंडिया की 2 सिटीज में एग्जाम होंगे। लैंग्वेज ऑफ पेपर केवल इंग्लिश में होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे तथा इनकरेक्ट के लिए -1 मिलेगा। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट ओवरऑल मेरिट जो है टोटल स्कोर पे डिपेंड होगी। दोस्तों, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 1 मई 2019 है, आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। तो आइए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाएंगे और यहां पर अप्लाई हेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक ब्राउजर बन के आएगा, आप यहाँ पर ओके कर देना है आपको। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होने लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी 2019। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, आप इनको जरूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम फिलअप कर दें, अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म कर दें और ईमेल एड्रेस फिल कर दें
और ईमेल एड्रेस को उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा। फिर आपको कैप्चा फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस यहाँ पर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही पोस्ट है तो आप इस पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना नाम फिलअप कर देंगे, फादर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और अपना नेशनलिटी आपको उसके बाद सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसी तरह फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल डालनी है, उसके बाद पर्सनल एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ डिटेल्स डालनी है, इसमें आपको आईडी सेलेक्ट करनी होगी, या तो आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, या फिर पासपोर्ट या वोटर आईडी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आप जो है आईडी प्रूफ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईडी नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आप एग्जाम सिटी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको स्कैन कॉपी जो है अपलोड करनी है और आपको कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेना है फॉर्म को कि कैसा है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।